बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे सर्दियों की जुकाम मकई की रोटी, जो बहुत यम्मी और बहुत डिलीशियस बनती है। चले अब इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मकई की रोटी बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, हम यहाँ पर एक बर्तन लेंगे। फिर हम इसके अंदर 1.5 कप पानी शामिल कर देंगे। दूसरी साइड पर दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर 2 कप मकई का आटा है, जिसको छानकर हम इसकी इम्प्योरिटी को रिमूव कर लिया था। जब दोस्तों हमारे पानी में अच्छे तरीके से बॉयल आना स्टार्ट हो जाए, तो हम इसके अंदर ये मकई का आटा शामिल कर देंगे और डेंस स्पैचुला की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। यहाँ पर दोस्तों 10 मिनट हो चुके हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आपने मेजरमेंट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा थोड़ा गर्म भी है, अगर आपके हैंड सेंसिटिव हैं तो आप ग्लव्स भी पहन सकते हैं। अब हम इसको मसाला स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों हमारा आटा बहुत सॉफ्ट और बहुत सेटिस्फाइंग है। दोस्तों 3 से 4 मिनट के अंदर इसकी बहुत ज्यादा अच्छी डो तैयार हो जाती है। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून घी शामिल करेंगे और देन अगेन हम इसको गूंद लेंगे। हमने इस बात का ख्याल रखना है कि हमारे आटे के अंदर क्रैक्स ना पड़े। अगर आप इसी तरीके से आटे गूंदेंगे तो आटे के अंदर क्रैक्स पड़ने की कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी और आपकी रोटी बहुत यम्मी और बहुत मुलायम बनेगी। अब हम अपनी प्लास्टिक शीट के ऊपर पानी छिड़केंगे। देन यहाँ पर दोस्तों हम इसका पेड़ा बनाएंगे। हम इसका पेड़ा थोड़ा सा मोटा बनाएंगे। मकई की रोटी की मोटाई दूसरी रोटी की मोटाई से ज्यादा होती है। अब हम इसको हाथ की मदद से फ्लैट कर देंगे। फ्लैट करने के बाद दोस्तों गेन हम इसके ऊपर दूसरी प्लास्टिक शीट रख देंगे। देन हम इसको बेलना स्टार्ट कर देंगे, जिस तरह हम रोटी को बेलते हैं। दोस्तों ये बहुत आसानी के साथ गोल हो जाती है, क्योंकि हमारे डो की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है। यहाँ पर हमारी रोटी गोल हो चुकी है। इसको मजीद गोल करने के लिए हम इसके अंदर प्लेट रख देंगे और देन हम इसकी साइड्स को रिमूव करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर हमारी बहुत प्यारी सी गोल रोटी रेडी हो चुकी है। दूसरी साइड पर दोस्तों मैंने पैन को गर्म कर लिया है। अब हम इसके ऊपर अपनी रोटी को डालेंगे और इसको कुक करना स्टार्ट करेंगे। 1 से 2 मिनट लगेंगे दोस्तों इसकी एक साइड को सेक लगने में। मेरे प्यारे व्यूअर्स, इस रोटी को दूसरी रोटी की नस्बत ज्यादा टाइम लगता है कुक होने के लिए। अब हम इसके किनारों पर घी लगा लेंगे। देन अब इसका पराठा रेडी कर लेंगे। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आपने ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी, वरना आपकी रोटी टूट भी सकती है। आप इसकी रोटी भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर दोस्तों इसका पराठा बना लिया है। आप चाहे तो इसको सेक कर इसकी रोटी तैयार कर लीजिए। यहाँ पर हमारा पराठा रेडी हो चुका है। आप इसको साग के साथ एंजॉय करें, इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। दोस्तों ये देसी फूड्स में बहुत अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों ये देसी फूड बच्चों को बड़ों को बहुत पसंद आने वाला है। अब मैंने इसके ऊपर अपना देसी घी रख दिया है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, ये कितनी यम्मी और कितनी डिलीशियस रोटी बनी है। आप भी इस तरीके से मकई की रोटी को जरूर बनाइएगा, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। और हमारे चैनल मोदी स्कूल ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऑल न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।